नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं जो चार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये है भारतीय एयरटेल का फ्यूचर का स्क्रिप्ट। तो भारतीय एयरटेल फ्यूचर में देखिए आपका सामने जो चार्ट खुला हुआ है तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो कौन सा सिचुएशन पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है मार्केट पे और कहाँ पर आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहते हैं, अगर आप इस मार्केट में नए हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एलआईएस ब्लू का साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग एलआईएस ब्लू का पार्टनर है। अगर आप मेरा थ्रू एलआईएस ब्लू में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो का नीचे लिंक दिया हुआ है, जस्ट फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, एलआईएस ब्लू का तरफ से आपका पास फ़ोन चला जाएगा। जो भी डाउट या क्वेरीज है आपको एलआईएस ब्लू को लेके, कितना एडवांटेज दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर आपका एग्जिस्टिंग जो ब्रोकर है उसका साथ कंपेयर करके अगर आपको बेटर लगा तो ही ज्वाइन होइए। और अगर मेरा थ्रू ज्वाइन होते हैं तो एक बेनिफिट मैं देता हूँ, जो हम लोग का एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पर आपको फ्री सजेशन लाइव मार्केट में मिलते रहेगा। तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर है एलएस ब्लू। तो चलिए शुरू करते हैं अभी सॉफ्टवेयर को। देखिए मैं आज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 27 तारीख का चार्ट। तो यहाँ पर मार्केट फर्स्ट ओपन हुआ था, देखिए मैं इस कैंडल का ऊपर क्लिक किया, ऊपर में आपको डेट एंड टाइमिंग शो कर रहा है, 27 तारीख 9:20 पर मार्केट यहाँ पर शुरू हुआ था। सेकेंड कैंडल आपको थोड़ा सा ब्लू टाइप का दिख रहा है, बॉर्डर देखिए ब्लू टाइप का। तो जैसे ब्लू कैंडल जनरेट होता है उसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल में आपको सिग्नल बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर सिग्नल बना था। अब जब भी कोई सिग्नल बनता है ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ, और पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर लिख के आ जाएगा, जो कौन सा वैल्यू का ऊपर बाय करना है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, 3 टारगेट है और एक स्टॉप लॉस है। अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये बाय का कॉल सही है जो 9:35 पे दिया था, क्योंकि कॉल तो बहुत सारा बनता है, हर एक कॉल अचीव नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है मार्केट में, ऐसा बहुत सारा कॉल होता है जो अचीव नहीं कर पाता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है हम लोग के लिए, जो कौन सा कॉल में मुझे ट्रेड करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। तो भारतीय एयरटेल में देखिए 9:35 पे जो बाय का कॉल बना, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा जिसका बाद आप कन्फर्म होंगे जो इस कॉल में आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। जैसे बाय का कॉल का टाइम नीचे का रिबन ग्रीन होना चाहिए, जो ऑलरेडी ग्रीन हो चुका था, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन मैच था, जो रिबन ऑलरेडी ग्रीन था। नीचे में आपको एक लाइन इंडिकेटर दिख रहा है जिसका कलर एक बार रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, फिर रेड ग्रीन, तो कलर फैक्टर नहीं है ऑब्वियसली। रेड मतलब बायर्स एंड रेड मतलब सॉरी ग्रीन मतलब बायर्स एंड रेड मतलब सेलर्स बढ़ रहा है, बट इसका जो मेन फंक्शन है वो है मिडिल का वाइट हॉरिजेंटल लाइन। देखिए मिडिल में आपको एक वाइट हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, और इस लाइन का ये जो ग्रीन लाइन है इसका मूवमेंट इस वाइट लाइन का ऊपर होना चाहिए। अगर व्हाइट लाइन का ऊपर एक ग्रीन लाइन का मूवमेंट है इसका मतलब है मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो बाइंग का तरफ है। तो ये दो कंडीशन पहले आपको देखना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन होता है हम लोग का एक स्टार बनेगा, वो भी ग्रीन कलर का। तो बाय का कॉल का पहले कोई ग्रीन स्टार बना नहीं है, जैसे मुझे दिख रहा है फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल पर स्टार बना है। तो आपको इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू मतलब नेक्स्ट कैंडल का ओपन वैल्यू से ट्रेड पकड़ना है। आप यहाँ पर सोच सकते हैं जो यहाँ तक तो आपको मिनिमम टारगेट 1 निकल दिया है, तो टारगेट बोल के कोई चीज़ होता नहीं है, आपको जहाँ पर कंडीशन मैच हो रहा है आप वहीं से ट्रेड लीजिए, वहाँ से भी आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, बट विदाउट कंडीशन आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे इस कैंडल का ओपनिंग वैल्यू मुझे ऊपर में दिख रहा है 593.3, देखिए कॉल दिया था 591.65, तो इसी वैल्यू में पकड़ना है, ऐसा नहीं है जहाँ पर मेरा कंडीशन मैच हुआ। अब हमेशा कंडीशन बाद में ही मैच होगा ऐसा नहीं है, कभी कभार पहले से मैच रहता है तो इस टाइप का सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कंडीशन अगर मैच नहीं होता है तो आपको वेट करना है। अगर कंडीशन मैच हो तो ट्रेड करें, बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कंडीशन मैच नहीं होता है तो ट्रेड नहीं करना है। तो सपोज भारतीय एयरटेल में आपको 9:55 का जो कैंडल ओपन हुआ यहाँ पर आपको ट्रेड पकड़ना चाहिए था 593.3 का आसपास, तो वहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो देखिए अल्टीमेट धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट करके गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई मारा था आपका 605। तो भारतीय एयरटेल फ्यूचर के लिए ये मोर देन इनफ है, ये काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देके जा रहा है। तो धीरे धीरे देखिए मार्केट इतना ऊपर गया था तो मैं बोलूँगा 1% लेके पोजीशन को छोड़ दीजिए, दैट इज़ मोर बेटर, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट का 1% इज़ मतलब ठीक ठाक है, उससे ज़्यादा अगर आप वेट करना चाहते हैं तो रिस्क हो सकता है। तो ये भारतीय एयरटेल का फर्स्ट बाय का कॉल देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट देखे गया, उसका बाद यहाँ पर बना सेल का कॉल।
यहां पर भी देखिए ब्लू कैंडल बना और उसका बाद सेल का कॉल बना। अब यहां पर दो टाइप का कैंडल पैटर्न है, मैं एक बार बता देना चाहता हूं। देखिए एक कैंडल है ब्लैक टाइप का, मतलब ये हॉलो है, और एक फिलअप है। तो हॉलो कैंडल है बुलिश कैंडल, और जो फिलअप है वो बेयरिश कैंडल है। और जहां से हम लोग का बाय का कॉल शुरू होगा, हर एक कैंडल ग्रीन पैटर्न का ही रहेगा, और जहां से हम लोग का सेल का कॉल शुरू हो जाएगा, वहां से हर एक कैंडल रेड पैटर्न का शुरू हो जाएगा। तो चलिए 1:10 पे दोबारा भारती एयरटेल ने सेल का कॉल दिया, पहला बाय का कॉल आपको अच्छा प्रॉफिट देखे गया था। अब यहाँ पर सेम कंडीशन देखना है, नीचे का रिबाउंड उस टाइम रेड था, बट नीचे का लाइन न्यूट्रल का नीचे नहीं था और स्टार भी नहीं था। इस कैंडल पे मुझे जो दिख रहा है, जो ये लाइन व्हाइट को तोड़ के नीचे आया, मतलब यहाँ से कंफर्मेशन दिया जो मार्केट में ट्रेंड सेलिंग की तरफ जा रहा है 1:25 पे, बट उसका बाद स्टार बना 1:40 पे, और मुझे ट्रेड पकड़ना चाहिए यहाँ पर लॉजिकली। तो 1:45 पे आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, तो मार्केट का वैल्यू था 597 का आसपास। तो सोचिए 597 का आसपास आप ट्रेड पकड़े, और एक ही कैंडल में आपको यहाँ पर लो दिख रहा है 595 दो पॉइंट का, बट आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे। आप ऑब्वियसली और थोड़ा के लिए एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, बट धीरे धीरे देखिए यहाँ पर मार्केट सिचुएशन चेंज हुआ और मार्केट ऊपर जाने लगा। अब इस टाइप का सिचुएशन में करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मल मार्केट में तो इजीली प्रॉफिट मिल गया, कोई हेडेक नहीं मिला, दैट्स ओके। बट इस टाइप का सिचुएशन अगर मार्केट घूम जाता है, जैसे देखिए अल्टीमेट यहाँ पर घुमा के बाय का कॉल दे दिया। अब देखिए मेन प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोचेंगे, इस टाइप का सिचुएशन को हम लोग कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट अगर मैनिपुलेट होगा, और अगर आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखे हैं, तो स्टॉप लॉस खाना ही पड़ेगा। बट अगर आप मेरा नीचे का लाइन इंडिकेटर को देखेंगे, इस टाइप का सिचुएशन के बचने का एक ही तरीका है। जैसे ये बाय का कॉल तो बन गया था स्टार के साथ, बट नीचे का रिबाउंड रेड था, और देखिए ये जो नीचे का लाइन इंडिकेटर है, ये व्हाइट का नीचे मूवमेंट कर रहा है। तो ये लाइन इंडिकेटर भले ही ग्रीन हो, बट व्हाइट का नीचे रहने का मतलब है अभी भी मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो सेलिंग का तरफ ही है। तो शायद ये बाय का कॉल आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सके, तो अल्टीमेट आपको दिखाई देगा जो मार्केट रैपिडली यहाँ पर गिरा है। तो इस टाइप का सिचुएशन पे बंदा ट्रैप होता है, हम लोग समझ नहीं पाते जो वाकई मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है आपको लॉस खिलाने के लिए, या फिर सही से उठ जाएगा। अगर नीचे का लाइन व्हाइट को तोड़ के ऊपर चला जाता, तो मुझे एग्जिट करना पड़ता, ताकि जो भी मुझे लॉस हो रहा है, छोटा मोटा लॉस खाने से ही बेटर है बड़ा लॉस खाने से। तो अगर ये नीचे का लाइन व्हाइट लाइन का ऊपर चला जाता, तो मैं लॉस लेके निकलता। बट ये लाइन व्हाइट लाइन का अगर नीचे खड़ा है, इसका मतलब है आप इस टाइप का सिचुएशन में थोड़ा सा रिस्क ले ही सकते हैं, अल्टीमेट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसी चीज को समझाना था, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, हमेशा बहुत ही अच्छा ट्रेंडी मोमेंट वाला कॉल मिलेगा। ऐसा नहीं इस टाइप का सिचुएशन को आपको बार बार फेस करना पड़ता है, बट इस टाइप का सिचुएशन को अगर आप हैंडल कर सकते हैं, या मार्केट को रीड कर सकते हैं जो वाकई मार्केट किधर जाएगा, वह ऊपर चला जाएगा या अल्टीमेट उसको नीचे आना है, ये चीज़ अगर आपका क्लियर हो गया पहले से, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू यू, ट्रेड करने के लिए काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप बिगिनर्स है, या फिर बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हैं फिर भी अपना एक्सपेक्टेशन का जैसा रिजल्ट नहीं ला पा रहे, तो ये इंडिकेटर, ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। तो वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और लास्ट टाइम एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर मेरा थ्रू आप ज्वाइन होना चाहते हैं, या मेरा सजेशन लेना चाहते हैं लाइव मार्केट में, जो मेरा एक फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो आप मेरा थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं LIS ब्लू का अंडर, तो वो फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।